तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग फिर से एक बार एंटर करने जा रहे हैं सीआरवी ग्राउंड में। और आज है शनिवार और हमारा मैच है आज, जो संडे को मैच हुआ था जिस टीम से उसी टीम के साथ दोबारा से। और अभी टाइम हुआ है लगभग 8:15, तो देखते हैं 8:30 बजे से मैच चालू करेंगे और अभी पिच की सफाई चलती हुई। और ये सामने वाली टीम बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करते हुए, और पिच की सफाई का कार्यक्रम होता हुआ अभी। हाँ, बहुत सारे खिलाड़ी। तो दोस्तों, हमारे कुछ लेट लतीफ़ प्लेयर हैं और हमारे कप्तान भी, जो अभी तक नहीं आए हैं। 1 घंटा लेट हो चुका है मैच, तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम खुद ही टॉस करेंगे। और ये हमारे उप कप्तान साहब और सामने वाली टीम के कप्तान टॉस करेंगे। तो ठीक है, रेडी? तो हेड बॉल आ गया है हमारे कप्तान की तरफ से, उप कप्तान की तरफ से हेड आया। तो ये बॉलिंग बोला उन्होंने, बॉलिंग बोला वासु ने, बॉलिंग नहीं बॉलिंग भाई, वासु ने बॉलिंग बोला। 2 मिनट बाद उसने बॉलिंग आ गया। चलो अबे टॉस में कप्तान मुझे क्यों बनाया फिर? अबे टॉस सिक्का छानने के लिए खाली। तो दोस्तों, हम लोग बैटिंग की सोच रहे थे लेकिन हमारे कप्तान ने एंड टाइम पर एंट्री मारी है ये, और इन्होंने डिसीजन चेंज किया और बॉलिंग लेने का पहले फैसला किया है। तो देख पाते हैं कि इनका जो फैसला है वो सही होता है या नहीं होता है। हमने टॉस जीत के बॉलिंग ली है, बॉलिंग ली है, और ये इन्होंने कप्तान के कहने पर बॉलिंग ली है। ठीक है, धन्यवाद। आइए आपको आपको मैच का मजा दिलाते हैं आगे। तो साहब हैं, देखिए, तो कप्तान साहब आप बताइए, आपने क्या सोच के बॉलिंग का फैसला किया है? भाई, एनवायरनमेंट देख के, हवा में नमी देख के हमें लग रहा है स्विंग बहुत अच्छी होने वाली है और हम टीम से पक्का जीतेंगे। पर हवा में नमी के हिसाब से तो हमें बैटिंग पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि पिच गीली है, घास गीली है। ये देखिए आप, घास में नमी है तो बॉल आउटफील्ड काफी तेज होता है आउटफील्ड। ओपनर तैयार हो चुके हैं, सामने वाले टीम के बैट्समैन तैयार दोनों। मिस्टर पुपुल, और आपका नाम क्या है? मिस्टर राजेश। और ये पहली बॉल लेकर आ रहे हैं मिस्टर वासु, और ये शानदार कवर की तरफ ड्राइव किया है 1 रन के लिए। और ये अगली बॉल मिस्टर वासु के द्वारा, और ये वाइड बॉल, और कीपर से मिसफील्डिंग होती हुई, 1 रन एक्स्ट्रा, और तो ये 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। और अगली बॉल मिस्टर वासु की, और ये शानदार कवर ड्राइव लगाया है लेकिन फील्डर पप्पू भाटी वहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा वहाँ पर। और ये वासु अपनी अगली बॉल लेकर आते हुए, और ये बैट्समैन ने मारने का प्रयास किया है लेकिन अंदरूनी किनारा लग के बॉल गई है पीछे की तरफ और फील्ड कर लिया जाएगा, जिसमें 1 रन ही मिलेगा सिर्फ। और ये वासु अपनी अगली बॉल लाते हुए, और ये बैट्समैन ने तेजी से मारने का प्रयास किया था लेकिन एज लग के बॉल गई है थर्ड मैन की तरफ और थर्ड मैन मौजूद है और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। और ये वासु की अगली बॉल, जिसे बड़ी खूबसूरती से डिफेंस कर लिया जाएगा बैट्समैन मिस्टर पुपुल के द्वारा। और ये वासु अपने ओवर की आखिरी बॉल लाते हुए, और ये बड़ी ही खूबसूरती से कवर की ओर खेल दिया है जो कि जाएगी 4 रन के लिए, और ये शानदार कवर ड्राइव। तो इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये अगला ओवर लेके आए मिस्टर अमित, और ये इनकी पहली बॉल, और ये पहली बॉल वाइड होती हुई जो कि कीपर से भी छूट गई है और 1 रन और मिलेगा एक्स्ट्रा के, 2 रन मिलेंगे। बोले। और ये इनके ओवर की आखिरी बॉल,
जाएगा। अरे भाई भागो यार। और ये शानदार 4 रन। तो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन 2 ओवर में बिना किसी विकेट के। तीन ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के, काफ़ी अच्छी शुरुआत अभी तक। और चौथा ओवर लेके गेंदबाज तैयार, बॉलिंग में थोड़ा परिवर्तन किया गया, एक नए गेंदबाज को बॉल दी गई है और पहली गेंद का सामना करेंगे पुपुल। शॉर्ट गेंद, हल्का सा स्लाइड कर दिया, फील्डर काफ़ी पीछे, लेकिन बल्लेबाजों ने मना करा रन लेने से। दूसरी गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट आप देख सकते हैं, हल्का सा कवर की तरफ, माफ़ करिएगा, पॉइंट की तरफ, पॉइंट और कवर के बीच से गैप ढूंढा, लेकिन डीप में फिल्टर ले रखा है टीम ने, तो एक ही रन मिलेगा टीम को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर डॉट गेंद, उठा के मारा है शॉट, ये फिल्डर बॉल के नीचे और कैच ड्रॉप, सिंपल कैच हाथ में थी लेकिन डीप पॉइंट पे आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। बहुत ही बेहतरीन शॉट, मारो 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 मारो, बहुत अच्छी रनिंग इसी के साथ, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, दोनों बल्लेबाजों के बीच। ओहो बहुत अच्छी डॉट, अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल अंदर की तरफ, आगे की बॉल को पीछे खेलते हुए। चार ओवर की समाप्ति के बाद ओल्ड 11 का स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा गया, सिर्फ 3 रन आए, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई। हल्के हाथों से स्लाइड करा, पॉइंट की तरफ गेंद, एक रन लिया दौड़ के। डॉट बॉल, आगे बढ़ के मारने की कोशिश, बीट हुए। एक और गेंद डॉट, एक और डॉट गेंद इसी के साथ, वाइड गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर बल्लेबाज बीट होते हुए। बहुत ही बेहतरीन शॉट आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 6 रनों के लिए। 5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 ओवर में ओल्ड 11 का स्कोर 42 रन बिना किसी नुकसान के। छठे ओवर की शुरुआत होते हुए, छठे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे पुपुल। पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे हमने देखा था काफी अच्छा शॉट मारा राजेश ने 6 रनों के लिए। पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट पॉइंट की तरफ, पर फील्डर के सीधा हाथ में, एक रन मिलेगा टीम को। दूसरी गेंद, अच्छा शॉट, गैप में ढकेल दिया है, गैप की तरफ गोंद जाती हुई, बाउंड्री पर बॉल, एक रन लिया भाग के यहां पर बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का आखिरी ओवर ये, छठे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। ओल्ड 11 काफी अच्छी गेंद बल्लेबाजी करते हुए, 44 रन हो चुके हैं 44 बिना किसी नुकसान के। और मैच की अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सीधा आके पैडों पे लगी, हल्का सा स्लाइड करने की कोशिश, गेंद लगी पैड पे, लेग बाई का 1 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट पॉइंट की तरफ, बहुत ही कड़ाकेदार शॉट था, लेकिन फील्डर पीछे है डीप में, तो इसकी वजह से सिर्फ 1 ही रन मिलेगा टीम को। अगली गेंद, ओहो अगली गेंद, बल्लेबाज ने आगे निकलकर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी, लेकिन गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी, अंपायर ने वाइड करार दिया उस गेंद को, और वाइड के ऊपर एक बाई का रन भाग के लिया टीम ने।
ओहो, एक और अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट होते हुए। पावर प्ले की आखिरी गेंद, आगे बढ़ के स्लाइड करने की कोशिश, ठीक से बल्ले पे नहीं आई गेंद। एक रन भाग के पूरा करा यहाँ पर टीम ने। इसी के साथ पावर प्ले कंप्लीट हुआ। ओल्ड इलेवन ने पावर प्ले में बनाए हैं बिना किसी नुकसान के 49 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पावर प्ले के बाद फील्ड खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। और पहली गेंद पावर प्ले के बाद सातवें ओवर की, अच्छा सा डिफेंसिव शॉट। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज। और इसी के साथ बोल्ड होते हुए यहां पर राजेश। ओल्ड इलेवन को पहला नुकसान, पहली विकेट गिरती हुई। राजेश एक बड़े शॉट खेलने की कोशिश में विकेटों को छोड़ के सातवां ओवर चलता हुआ। 49 रन है टीम का स्कोर ओल्ड इलेवन का एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं जितेंद्र गुप्ता, स्ट्राइक लेंगे ये। पहली गेंद खेलते हुए जितेंद्र गुप्ता, ओहो अंदर की तरफ गेंद आई, गेंद की पेस से बीट होते हुए डॉट गेंद। अगली गेंद और स्लाइस कर दिया है गैप में, बहुत ही अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग उसी के द्वारा, वहां पर पैर से रोकते हुए दो रन भाग के लेते हुए टीम। शॉर्ट पिच बॉल, बहुत ही शॉर्ट बॉल। सात ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। सात ओवर में ओल्ड इलेवन का स्कोर 51 रन एक विकेट के नुकसान पर। आठवें ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार खड़े हैं। स्ट्राइक जो ले रहे हैं वो पप्पू ले रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो अब स्कोरिंग रेट अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी गिरी है। पहले तीन ओवर में जिस तरीके की शुरुआत हुई थी ओल्ड इलेवन की, उसके मुकाबले अगले तीन चार ओवर में रन काफ़ी कम आए हैं और एक विकेट भी गिरा है। इसी के साथ दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड बॉल, वाइड बॉल पे बाई का एक रन और भाग के लिया, तो टोटल दो रनों का फायदा होता हुआ है इस गेंद पे। बहुत ही अच्छा शॉट और ये बच गए, बच गए, जरा जरा से बचे, बॉलर के सर के ऊपर से। आप मान सकते हैं बस चार पांच उंगलियों का ही फर्क था, अर्थात ये कैच सीधी हाथ में थी। अगली गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट, फिर एक बार फील्डर के हाथों में जाती हुई, सिर्फ एक रन। और लेग बाइक की तरफ से भागते हुए एक रन, थोड़ा सा लेट होते हुए जीतू यहाँ पर, समझ सकते हैं हम थोड़ा अभी नए नए आए हैं क्रिच पे, थोड़ा टाइम लगेगा, सात आठ गेंदें खेलते हैं उसके बाद थोड़ा विकेट को भाप पाएंगे। टीम को यहाँ आवश्यकता है पुप्पुल से, अपने जो टीम के आप बोल सकते हैं एक स्तंभ है बैटिंग लाइनअप में। काफ़ी स्लो बैटिंग करते हुए पावर प्ले में जिस तरीके की बैटिंग की दरकार टीम को उनसे होती है अक्सर, आज के मैच में थोड़ा उसके विपरीत खेलते हुए, थोड़ी सी सदी हुई शुरुआत है उनकी तरफ से, बट अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत ही जल्द रन और गेंद को कवर कर लेंगे। अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया है, गैप में जाती गेंद और इसी के साथ चार रन, बहुत ही अच्छा शॉट। अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि अच्छे खिलाड़ी हैं, कभी भी गेंद और बल, गेंद और रन को जो कवर है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी के साथ एक अच्छा शॉट लगाते हुए काफ़ी देर बाद एक बाउंड्री आती हुई ओल्ड इलेवन के लिए। उम्मीद करेगी टीम इसी तरीके के कुछ और कड़कदार अच्छे शॉट लगाए जाएं। इस विकेट पे टीम चाहेगी लगभग 180 का स्कोर खड़ा करे। अगली गेंद, ओहो बहुत अच्छी गेंद, हल्की सी मूवमेंट होती हुई गेंद पे, बल्लेबाज बीट हुए लेकिन खराब कीपरिंग के कारण एक अच्छी गेंद पे भी बाई के द्वारा एक रन मिलता हुआ ओल्ड इलेवन को। तो जैसा हम आपसे कह रहे थे कि 170-180 का स्कोर अच्छा होगा इस विकेट पे, मेरे साथ आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं आनंद, आनंद कुमार झा। आनंद जी आपसे बात ना, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपको क्या लगता है कि इस विकेट पे कितना स्कोर अच्छा रहेगा जो ओल्ड इलेवन की टीम डिफेंड कर सकती है?
विकेट को देखते हुए कम से कम जो है 170, इसी दौरान बहुत ही अच्छा शॉट फ्लिक कर दिया है फाइनल लेग की तरफ चार रनों के लिए जितेंद्र गुप्ता के द्वारा, बहुत ही अच्छी बैटिंग। हाँ तो आप अपनी बात कैरी करिए आनंद जी। आप देख सकते हैं 8 ओवर हो चुके हैं कंप्लीट, 8 ओवर में ओल्ड 11 का स्कोर है 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की शुरुआत होते हुई 9वें ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार, पहली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, बहुत ही बेहतरीन शॉट आप देख सकते हैं 4 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट कवर में मारा शॉट 4 रनों के लिए, बहुत ही शॉर्ट बॉल, ओहो बहुत ही बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही काफी खराब गेंदबाजी यहां पर, शॉर्ट पिच गेंद जिसको एक बेसबॉल टाइप का शॉट लगाते हुए पुपुल जी, और इसी के साथ छक्का, बहुत ही अच्छा शॉट इसी के साथ 1 रन। ओहो फ्लिक कर दिया है 4 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर जितेंद्र गुप्ता के द्वारा, फाइन लेग पे हल्का सा स्लाइड कर दिया, खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर थी जिसको सही नसीहत दी 4 रनों में भेजकर। अच्छा ओवर ओल्ड 11 के लिए, अभी तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में और ठीक ठाक ओवर जाता हुआ ओल्ड 11 के लिए, एक बाउंड्री आ चुकी है अभी तक अगली गेंद लेके गेंदबाज। ओहो ये बहुत अच्छी गेंद थी, ये गेंद बहुत अच्छी थी, बल्लेबाज को बीट कराया, बल्लेबाज हल्के से थोड़ा सा लेट हो गए बॉल पे, स्लाइस करना चाहते थे पॉइंट की तरफ बट बीट। 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं टीम के, 9 ओवर में 80 रन का स्कोर हो चुका है ओल्ड 11 का 1 विकेट के नुकसान पे 9वें ओवर की शुरुआत होते हुए, माफ करिएगा 10वें ओवर की शुरुआत होते हुए, 10वें ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज पुपुल स्ट्राइक लेते हुए और ये पहली गेंद, ओहो अच्छी गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी और मना कर दिया यहाँ पर रन के लिए, थोड़ा सा नजदीकी मामला होते होते रह गया। ओवर की दूसरी गेंद, ओवर की दूसरी गेंद लेके गेंदबाज तैयार, ओहो बहुत ही बाहर बेन, बहुत ही ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, वाइड गेंद का इशारा। ओवर की दूसरी गेंद दोबारा एक बार लेके आगे निकल के हल्का सा स्लाइड किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर पीछे डीप में, 1 रन मिलेगा। ओवर की तीसरी गेंद, 10वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकते हुए गेंदबाज जितेंद्र गुप्ता स्ट्राइक लेते हुए, ओहो बहुत ही लूज डिलीवरी, हल्का सा ललचाया था बल्लेबाज को पर बल्लेबाज ने भी चतुराई से हल्का सा स्लाइड कर दिया और 1 रन दौड़ के पूरा किया। ओवर की चौथी गेंद लेके गेंदबाज भागते हुए आगे निकल के बड़ा शॉट लगाने की कोशिश पर खराब गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज के द्वारा, लेग स्टंप के बाहर फेंक दी गेंद, वाइड करार दी गई। बार फिर गेंदबाज तैयार, ओहो हल्की सी थोड़ी सी आप देख सकते हैं उंगलियों को मोड़ा, हल्की सी स्लोर फेंकती हुई गेंद, इसको हल्का सा कवर की तरफ स्लाइस किया पुपुल ने और 1 रन दौड़ के पूरा किया। ओवर की पांचवी गेंद जीतू स्ट्राइक लेते हुए, ओहो पुल करना चाहते थे लेट हो गए इसी के साथ डॉट गेंद। दूसरी साइड पे खड़े पुपुल समझाते हुए बल्लेबाज को कि पुल शॉट ना खेलें, लेट हो रहे हैं उसमें, इस शॉट के छोड़ के कुछ और करा जाए। एक बार फिर स्लोर गेंद फेंकी, पीछे हट के शॉट मारा, 1 रन इसी के साथ हुआ है। और आप देख सकते हैं आखिरी गेंद पे जो आया है, एक रन आया है टीम का दौड़ के, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं टीम के, 10 ओवर में 86 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पे ओल्ड 11 ने।
वाइट नहीं है यार, टांगों के बीच में है। फंस गया हाथ, फंस गया उसने। आराम से पकड़। नहीं नहीं चल, शॉट है भाई, शॉट है। आराम से बोला, थोड़ा सा रह गया बस। नहीं पहुंचेगी। लाला सिंह चलिए चल आराम से कोई नहीं। कुछ नहीं, बोल लिया, ये हुआ। ओ यार, चल ये भी तो बॉल पड़ी बड़े करके। बोले अमित, आजा भाग भाग। पार्टी हो गया, क्यों भाग रहे? हो गया। ये थी बोल, ये बोल थी बहुत बढ़िया। कैच विकलेस होगी कैच होगी। अरे हो गया, छोड़ दी। ओए तूने क्यों छोड़ दिया आज? ज्यादा दिमाग लगाते हो ना। आज ना होगा कैच किसी से भी। ओ आउट है, आउट लग गई है यार, दिल्ली में लग गया आउट है।
ओहो कवर में शॉट मारते हो, कवर पॉइंट पे प्लेयर बाउंड्री लाइन पे ड्रॉप करते हो। ओहो गैप में शॉट, कोई फील्डर में मौजूद नहीं। शानदार चौका, 17 ओवर में 174 रन होते हुए ये दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 120 रन से ऊपर की हो चुकी है। ओहो क्या शॉट है, चिप करते हुए प्लेयर ही नहीं है वहां फील्डर, और ये फील्ड दो रन। ओहो सिंगल के लिए, ला 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 हो गया विक्के। सिंगल के लिए और ये डबल। ओहो वाइड बॉल करने के लिए, शानदार सिक्स कवर पे, चार है ये हिट। सूरज की धार धार गेंदबाजी के सामने सिंगल, बल्लेबाज चाहेंगे इस ओवर को बड़ा करना। चार रन होते हुए अगेन चार रन, एक और चार रन के साथ बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया 98 रन पहुंचते हुए। भाग मोटे भाग मोटे भाग, चार और ये अपना शतक कंप्लीट करते हुए। शतक का सेलिब्रेशन करते हुए बल्लेबाज, बॉलर परेशान, समझ में नहीं आ रहा बॉलर को कि कहां डालें। सूरज की चमक आज फीकी पड़ती हुई। फील्डर मौजूद और ये सिंगल, 20 ओवर की शुरुआत करते हुए और पहली गेंद पे लगातार शानदार चौका। भाटी साहब बॉल लेकर आए थे लेकिन अब फील्डर लेकर आ रहे हैं। दो ओवर की दूसरी बॉल, एक और चार रन, रोक ले। लगातार तीसरी बॉल पे तीसरा चौका, बॉलर सोच रहे हैं ये क्या कराऊं मैं। बल्लेबाज अपने टैलेंट का मुजाहिरा करते हुए, बॉलर सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये ओवर खत्म किया जाए। अगेन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फील्डर मात्र दर्शक बन के रहता हुआ। शाबाश पपल, सिक्स पे सिक्स, चौके पे चौके, ये एक और सिक्स, शानदार शानदार सिक्स के साथ मैच 20 ओवरों में स्कोर 237 रन का, एक विशाल स्कोर खड़ा करते हुए। आज मुझे अरसे बाद पता लगा कि हाँ पप्पू खेलना आता है। ये कितने के भाई के कितने एक सौ छ ये शतक मारने के बाद 133 रन मारे, 133 रन की शानदार पारी खेलते हुए। तो दोस्तों बहुत ही घटिया बॉलिंग कराने के बाद हमारी टीम ने रन लुटाए हैं 237 20 ओवर के मैच में। तो अब देखते हैं जो हमारे बल्लेबाज हैं 237 रन का टारगेट पूरा कर पाते हैं नहीं। तो दोस्तों दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है, हमारे ओपनिंग बैट्समैन है।
बॉलर हैं पहले ओवर के मिस्टर कालू और हमारे बैट्समैन हैं मिस्टर मिथलेश और नॉन स्ट्राइकर मिस्टर वासु। हमें चाहिए 238 रन जीतने के लिए, तो देखते हैं। और ये वाइड बॉल और ये बॉलर की खतरनाक बॉलर के खतरनाक बॉल देखते हुए पहली बॉल पर हेलमेट मंगाया गया है। और ये पहली बॉल की शुरुआत और ये बहुत अच्छा डिफेंस करता हुआ वो चालू। अगर ये LBW आउट होता तो आउट होता है। ये अगली बॉल की शुरुआत, ये अगली बॉल चार रन होता हुआ 22 का और ये 5 रन हो चुके हैं पहले ओवर की 5वीं बॉल जाती हुई और इसे बॉल टच नहीं हो रही है। और ये आखिरी बॉल और विकेट मिलता हुआ पहला पहले ओवर में 5 रन के नुकसान पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक ओवर की समाप्ति। पहले बैट्समैन आए मिस्टर अमित, स्ट्राइक पर मिस्टर वासु, बॉलर मिस्टर पुपुल, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्पिन बॉलिंग और अगले ओवर की शुरुआत करते हुए और बहुत ही सिंपल कैच मिस्टर वासु आउट होते हुए। अगले ओवर की शुरुआत ओ शानदार भाटी ने 4 रन निकाला तू भगा। एक रन ही हुआ है, फील्डिंग अच्छी थी धरती पे। ओ क्या शानदार बॉल, ओ शानदार बॉल, रन नहीं लिया जाएगा रन। ओ दो ओवर के बाद हमारा रन है 6, विकेट है 2 और डिफेंस करते हुए। तीसरी बॉल चलती हुई चल 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 और ये 1 रन आराम से हो जाएगा। वाइट और ये वाइट बॉल और ये वाइट का 4 होता हुआ लेकिन नहीं होगा क्योंकि फील्डर मुस्तैद है वहाँ के। वाइट का 1 और ये वाइट पे 1 रन आया। बहुत बढ़िया और 1 रन होता हुआ बढ़िया बाहर से 1 रन था यहाँ तो और 1 रन नहीं लिया गया। और 4 ओवर के बाद 9 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अगले बॉलर पुपुल अमित और ये 1 रन नहीं लिया जाएगा और ये उछलती हुई बॉल अतिरिक्त उछाल मिला। और ये रन आउट होते हुए तो 5वां ओवर लेके आए मिस्टर कालू। रन है हमारे 9 4 ओवर के अंत में। और ये बोल्ड होते हुए मिस्टर भाटी, ओ अच्छी बॉल, ओ वेल बॉल, डिफेंस किया वेल, कोई रन नहीं। ओ शानदार यॉर्कर बॉल, यही 4 रन, शानदार कट, 4 रन पे बहुत बढ़िया शॉट है, गोली है भाई, 4 रन, शानदार चौका। तो 5 ओवर के बाद स्कोर हुआ 17 रन पे 4 विकेट। ये तो बहुत लंबा सफर है। मिस्टर विनय अगले बॉलर 5 ओवर की पहली बॉल लाते हुए, सॉरी 6 ओवर की क्योंकि 5 ओवर तो हो चुके हैं। और ये 9 बॉल होती हुई और शायद 4 रन भी हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल 9 बॉल का चौका होता हुए और ये शानदार 1 रन लेते हुए शायद 4 होगा। चल बढ़िया बढ़िया जी 4 रन बहुत बढ़िया। और ये शायद 6 रन हो सकता है, 6 रन बहुत शानदार, 6 रन बहुत शानदार छक्का।
और ये एक रन हो सकता है। पूरा बैट कोई नहीं सही। और ये डॉट बॉल। ओ अच्छा डिफेंस। और ये चार रन होते हुए चल 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 बढ़िया। तो चार विकेट के नुकसान पर 6 ओवर में 36 रन बने हैं। अगले बॉलर आए मिस्टर आनंद। बहुत लंबा सफर तय करना है अभी भी। पहली बॉल की शुरुआत और ये शायद 6 रन हो सकता है। बाबा बाबा बस 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 बस। और ये कैच छोड़ते हुए वाइड बॉल। और ये अच्छी बॉल। और ये एक रन और। और ये एक रन के लिए शॉट लगाया। एक रन। ओ और ये एक रन और। बस रुक जा, ओवर हो गया। 7 ओवर के बाद 42 रन हमारे स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। और अच्छी बॉलिंग डालते हुए दो रन तेज तेज शायद 2 रन होंगे। और ये 2 रन। और ये जतिन अच्छा खेलते हुए। और ये कैच छोड़ते हुए। रुक जा भी रुक जा सूरज। और ये शायद 4 रन हो जाएगा या नहीं होगा क्योंकि बॉल में अपनी उछाल है गति नहीं है तो इसलिए 2 रन की कोशिश। नॉट आउट होते हुए देखिए। और ये शायद 4 रन हो सकता है और 4 रन होगा ये। बैट लेने वाला ओ। तो 8 ओवर के बाद हमारे हैं 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 15 की। और ये शायद 4 रन। 4 इतना अच्छा खेलते हुए। और ये शायद बहुत ऊपर गई है बॉल। और ये छोड़ते हुए कैच। एक अरे यार तू चुप। और ये शायद 4 रन जाएंगे। नहीं रोक लिया जाएगा 1 रन। और हमारे 5 विकेट हो चुके हैं। एक और विकेट हुआ है। मेरा फोन आ गया था इतनी देर में। लास्ट बॉल ओवर की। बस बस रुक जाओ। 1 रन 10 ओवर की पहली बॉल। वाइड बॉल। नेक्स्ट बॉल। वाइड बॉल। इस ओवर में 4 आ गए ना 12 रन की सोचो। विकास गुप्ता बैटिंग करते हुए। और ये वाइड बॉल। भाग 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 भाग। सोच क्या रहा है तू? सोच क्या रहा है जतिन? हाँ तो शॉट शॉट है। चल चल एक और ले ट्राई कर आएगा।
बस बस आराम से, रुक जा रुक जा रुक जा। ओवर की समाप्ति के बाद पर ओवर कितने चाहिए? पारो नहीं उतारूं, रुक जा। के बाद 86 रन 8 विकेट के नुकसान पर जहरकार। ओ ऐसा था ये तो, कितना बेकार आउट हुआ। विराट कोहली वाला, विराट कोहली वाला आउट हुआ साइड। वो बात कर रहा था, बोल रहा था और कुछ। बीस ओवर खेलने की वो है बस, क्योंकि बोलो नॉट आउट, नॉट आउट नहीं लगा, नहीं लगा। बॉल दे दो छोटे बॉल, बाप हाथ खत्म कर दिया हमारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले मैच में।